बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 24 मींस एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन का मीनिंग क्या है। अब एवोल्यूशन कम्बिनेशन है टू वर्ड का, एवो एंड ल्यूशन। अब एवो का लफ्ज लिया गया है इवॉल्वर से, और ल्यूशन अगर हम देखें, इवॉल्वर का मीनिंग है अनरोल, ल्यूशन का मीन होता है इवॉल्व। अगर हम बात करें कि अगर देखा जाए कि हमारी नाउन स्पीशीज है, नाउन स्पीशीज की अगर हम बात करें 8.7 मिलियन नाउन स्पीशीज है, अगर उसको हम अनरोल करके यानी क्लियरली उसके हर स्टेप को डिस्कस करेंगे, अगर डिस्कस किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, एवोल्यूशन। अगर हम बात करते हैं हमारी लाइफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुई है, यानी कुछ सिंपल से कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी बैरियर आए हैं, अब उन बैरियर के अंदर जो भी हमने स्टडी करनी है, यानी जितने भी स्टेप आएंगे वो क्या कहलाएंगे, एवोल्यूशन। अगर देखा जाए एवोल्यूशन रेफर टू द प्रोसेस दैट हैव ट्रांसफॉर्म्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू द वास्ट डाइवर्स। अगर देखा जाए कि एवोल्यूशन रेफर कर रही है एक प्रोसेस को, इस प्रोसेस के तहत डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स कंसिडर किए जाएंगे अर्लीस्ट से लेकर अब वास्ट डाइवर्सिटी तक, जो कि आज हम क्या है ऑब्जर्व कर रहे हैं। एवोल्यूशनरी चेंज इज बेस्ड मेनली ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अब देयर स्टूडेंट, याद रखना है कि जो चेंजिंग आई है सिंपल से कम्प्लेक्स, किसके मुताबिक आई है, एनवायरनमेंट के मुताबिक। अब एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं, वो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं किसी भी स्पीशीज के ऊपर, फिर उस एरिया के मुताबिक वो स्पीशीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। व्हेनेवर वी से आई हियर द वर्ड एवोल्यूशन, जब हम एवोल्यूशन को वर्ड कहते हैं या सुनते हैं, तो हमें एक साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखना चाहिए, वो है डार्विन। क्योंकि डार्विन ने एवोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए इसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। इसने अपने पाँच साल के सफर में बहुत ज्यादा स्पीशीज को ऑब्जर्व किया, फॉसिल्स को ऑब्जर्व किया, उनका डाटा इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा करने के साथ उसको एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु आर्ग्यूड फ्रॉम एविडेंस दैट स्पीशीज वर नॉट स्पेशली क्रिएटेड इन देयर प्रेजेंट फॉर्म। अब इसने जब ये काम इसने अपना काम जब पब्लिश किया, तो उसने ये बात की कि जो स्पीशीज है ये है कि प्रेजेंट फॉर्म के अंदर नहीं थी, इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस थे, रादर दे हैव इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्पीशीज। आया कि ये जो इवॉल्व हुई है किधर से, एंसेस्ट्रल स्पीशीज से, ठीक है। ही आल्सो प्रपोज्ड इन मैकेनिज्म फॉर एवोल्यूशन व्हिच ही टर्म नेचुरल सिलेक्शन। फिर इसने एक मैकेनिज्म दिया एवोल्यूशन का, उस मैकेनिज्म के तहत इसने बात की कि नेचुरल सिलेक्शन, यानी जिस चीज को नेचर सिलेक्ट करती है वो ज्यादा अडॉप्ट करती है एनवायरमेंट। अब कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वर्सेस स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन के स्टूडेंट याद रखना है कि जिस तरह अब जिस तरह है स्पीशीज, जिस तरह इसी तरह बिलीव किया जाता था कि पहले भी इसी तरह स्पीशीज थी, उसको कहते हैं यानी जैसे मौजूदा दौर के अंदर स्पीशीज है, इसी तरह पहले क्या थी स्पीशीज, उसको कहते हैं स्पेशल क्रिएशन। लेकिन अगर एवोल्यूशन के मुताबिक देखा जाए, तो उसमें हम तमाम हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे इवॉल्व हुए। हमने फर्स्ट ईयर के अंदर देखा था कि एवोल्यूशन में ट्रिलियन आर्कियोबैक्टीरिया से हमें क्या था, एल्गी, फंगी, फिर ये डिफरेंट स्टेप्स से एवोल्यूशन ट्री के मुताबिक ये लाइफ इवॉल्व हुई है, ठीक है। अब अगर यानी एवोल्यूशन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होंगे जिसके मुताबिक बात की जाएगी, लेकिन स्पेशल क्रिएशन की अगर हम बात करें कि जैसे मौजूदा हालात, जैसे मौजूदा अब जानदार है, पहले भी वैसे ही थे, देखें इन द अर्लियर 19th सेंचुरी क्रिएशनिस्ट, ठीक है, तकलीफकार जो तकलीफ करते हैं ना, ये जो स्टडी करते हैं तकलीफ, उनको क्रिएशनिस्ट कहते हैं, बिलीव इन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब क्रिएशनिस्ट जो हैं वो बिलीव करते थे थ्योरी किस पे, स्पेशल क्रिएशन के, वेरियस एवोल्यूशंस बिलीव इन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब क्रिएशनिस्ट जो थे जिन्हें तकलीफ करने वाले थे, वो बिलीव करते हैं किसको, किस थ्योरी को, स्पेशल क्रिएशन को। लेकिन अगर हम बात करें एवोल्यूशनिस्ट जो एवोल्यूशन की स्टडी करते हैं, वो किस थ्योरी को बिलीव कर, किस थ्योरी का बिलीव करते थे, नेचुरल सिलेक्शन का। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस, ऑल लिविंग थिंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन देयर प्रेजेंट फॉर्म, स्पेशली
स्पेशली एंड स्पेसिफिकली क्रिएटेड बाय नेचर। अगर हम बात करें स्पेशल क्रिएशन के मुताबिक, तमाम लिविंग थिंग एग्जिस्ट कर रही है, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन देयर प्रेजेंट फॉर्म, जिस तरह अब मौजूदा फॉर्म है इसी तरह पहले थी, स्पेशली एंड स्पेसिफिकली क्रिएटेड बाय नेचर। लेकिन ये क्रिएट की गई है किसके जरिए? नेचर के जरिए। अमंग द साइंटिस्ट हु बिलीव इन डिवाइन क्रिएशन वाज कार्लस लिनियस। अगर देखा जाए कि कार्लस लिनियस बिलीव करता था डिवाइन क्रिएशन, डिवाइन क्रिएशन ये भी किसी गॉड के जरिए क्रिएट की गई है क्या ये पूरी दुनिया, ठीक है। अब इसके ऊपर यदि अगर हम बात करें किसी गॉड के जरिए ये एवोल्यूशन हुई है, उस एवोल्यूशन से उनके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हुए हैं, डिफरेंट स्टेप्स के मुताबिक वो कॉम्प्लेक्स। अब ये डिफरेंट साइंटिस्ट थे, इन डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट रिसर्च के बाद अपने आर्गुमेंट्स दिए, अपनी अचीवमेंट दी, अपने पॉइंट्स दिए। ये साइंटिस्ट नेम है, लाइफ स्पेन है उनका, फिर उसके साथ साथ अचीवमेंट है। सबसे पहले लीनियस है, लीनियस का लाइफ स्पेन है यानी 1707 में इसकी डेथ हुई, 1707 के अंदर इसकी डेथ हुई, 1778 के अंदर इसकी क्या हुई डेथ हुई। अब इसने कहा सॉर्ट एंड फाउंड ऑर्डर इन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ही इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ नेमिंग स्पीशीज। अब क्या कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, ठीक है, यानी हर स्पीशीज का साइंटिफिक नेम दिया, वो साइंटिफिक नेम कंसीडर करता था स्पीशीज और जनरा, जनरा और स्पीशीज दोनों मिलकर साइंटिफिक नेम बनाती है, उसके मुताबिक उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया। फिर अगर हम बात करें लामार्क, 1744 के अंदर इसकी बर्थ हुई, 1829 के अंदर इसकी डेथ हुई। इसने क्या किया, पब्लिश हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बनाई और उसके उसको पब्लिश किया। अब मार्कस 1766 एंड 1834 पब्लिश ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन। अब इसने ऐसे पब्लिश किया, ये ऐसे किस पर पब्लिश किया, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर। क्यूबिया ने 1769 में इसकी बर्थ थी, 1832 ठीक है इसमें इसकी डेथ थी, इसका लाइफ स्पेन हो गया। कंट्रीब्यूटेड मच टू द साइंस ऑफ पैलियोलॉजी एंड एक्सप्लेन अर्थ हिस्ट्री बाय कैटास्ट्रोफिज्म। अब इसने कंट्रीब्यूट किया, ये स्टडी की इसकी पैलियोलॉजी, पैलियोलॉजी होता है टू स्टडी ऑफ द फॉसिल्स, फॉसिल की स्टडी के मुताबिक इसने अर्थ की हिस्ट्री को भी डिस्कस किया इसके कैटास्ट्रोफिज्म करता है। अब कैटास्ट्रोफिज्म क्या होता है कि नागामी अपात, ठीक है, नागामी अपात के मुताबिक यानी कोई भी चीज़ नागामी अपात में उधर चीज़ें खत्म होगी, होने के साथ साथ जब चीज़ें खत्म होगी उनके फोसिल्स मिले, उन फोसिल्स की स्टडी के मुताबिक इसने अपने अपनी अचीवमेंट दी, अपने आर्गूमेंट्स दिए। अगर देखा जाए लाइल 1797 इसका क्या था लाइफ स्पेन। अब पब्लिश प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, इसने पब्लिश किया प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी होता है टू स्टडी ऑफ द अर्थ। डार्विन 1809 के अंदर इसकी क्या थी बर्थ थी, 1882 के अंदर इसकी क्या हुई डेथ हुई। इसने क्या किया कि डिफरेंट यानी इसने डिफरेंट कंट्री का क्या किया, सफर किया यानी डिफरेंट कंट्री को विजिट किया, विजिट करने के साथ साथ इसने जो उसमें अपना शिप शिप को इसने नाम दिया बीकल का, जिस शिप के ऊपर इसने काम जिस शिप के ऊपर ये सफर कर रहा था उसको नाम दिया बीगल का, और इसका सफर क्या नाम दिया था वॉयज, वॉयज ऑफ द बीगल। बिगेन हिज नोटबुक ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसने बिगेन की नोटबुक को यानी नोटबुक को या उसको यानी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के ऊपर नोटबुक लिखी, नोट हिज एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और उसके साथ साथ इसी नोटबुक में इसने एसे क्या राइट किया किसके ऊपर, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अगर हम देखें मेंडल 1822 के अंदर इसकी क्या बात थी, 1884 के अंदर इसकी डेथ हुई, पब्लिश पेपर ऑन द इनहेरिटेंस। अब मेंडल ने क्या किया, पब्लिश पेपर पब्लिश किया जिसके ऊपर इनहेरिटेंस के ऊपर विरासत के ऊपर। अब वैलेस, अब 1823 एंड 1930 इसका लाइफ स्पेन था, इसने क्या किया सेंड हिज थ्योरी टू डार्विन, अपनी थ्योरी लिखी किसके ऊपर एवोल्यूशन के ऊपर, फिर इसने वो थ्योरी किसको सेंड की डार्विन, फिर यही जो हमने कहा कि कार्लस लिनियस डिवाइन क्रिएशन को और उसके साथ साथ डिवाइन क्रिएशन पर बिलीव करता था, और इसने कार्लस लिनियस ने क्या किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मजीद इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, देखिए कार्लस लिनियस इन 18th century क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म, कार्लस लिनियस ने 18th सेंचुरी के अंदर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया, ही ग्रुप सिमिलर स्पीशीज इन द सेम जीनस, इसने ग्रुप बनाए सिमिलर स्पीशीज इन द सेम जीनस, यानी सिमिलर स्पीशीज सेम जीनस में रखा,
एंड सिमिलर जेंडा इन वन फैमिली, उसके साथ साथ सिमिलर जेंडा को वन फैमिली, यानी इसने स्पीशीज और जेंडा के बेस पर क्या क्लासिफाई किया और उसके साथ साथ बायोलॉजी जो भी साइंटिफिक नेम दिए। बट एज नेचुरल थियोलॉजियंस अगर हम देखें कि नेचुरल थियोलॉजियंस जो थे, ठीक है, नेचुरल थियोलॉजियंस की अगर हम बात करें, ही बिलीव दैट स्पीशीज वर परमानेंट क्रिएशन। इन थियोलॉजियंस के मुताबिक, यानी मजहबी जो गॉड थे इनके मुताबिक अगर हम बात करेंगे कि ये बिलीव करते थे स्पीशीज वर परमानेंट क्रिएशन, जो स्पीशीज है ये परमानेंट क्रिएशन है, यानी मोस्ट इन क्या है क्रिएशन है। एट सेंचुरी लेटर द टॉक्सोनिक सिस्टम ऑफ लेडियस बिकेम ए फोकल पॉइंट इन डार्विन्स आर्गुमेंट फॉर एवोल्यूशन। अगर देखा जाए एक सेंचुरी के बाद टैक्सोनिक सिस्टम, यानी जो क्लासिफाई किया जाता है, नेमिंग दी जाती है डिफरेंट स्पीशीज को, उस यानी वो किसकी थी लीनियस, अब ये बन चुकी थी एक पॉइंट इसके लिए डार्विन आर्गुमेंट के लिए के, और क्यों बनी थी एवोल्यूशन के मुताबिक। एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, अगर हम देखें कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बने हैं तो हमें बिग बैंग थ्योरी को मद्देनजर रखना चाहिए। उस बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हम अगर बात करेंगे क्या था प्लाज्मा था, उस प्लाज्मा के वो काफी क्या है हीट होता रहा, उस हीट के मुताबिक उसकी क्या हुई इलेक्ट्रॉन, उनके बारे फ्रेंड्स क्या बने, उसके सेगमेंट बने, उन्हीं सेगमेंट्स में से ये जो अर्थ है ये भी हमारा क्या है एक प्लैनेट है, ठीक है, उन्हीं सेगमेंट्स में। अगर हम बात करें पहले अर्थ क्या थी, तो मेरी पहले अर्थ क्या थी हॉट फॉर्म के अंदर थी, ठीक है, अब उसके ऊपर क्या है ऐसा ऐसा लाइट क्या है ओरिजिनेट हुई। अब लाइट जब ओरिजिनेट हुई तो वो लाइट ओरिजिनेट हुई स्प्रिंग से, ठीक है, अब ये जो स्प्रिंग्स थे ये इन स्प्रिंग्स का टेम्परेचर क्या है क्या था बहुत ज्यादा था, इनके अंदर सर्वाइव करते थे आर्कियो बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखें वन ऑफ द स्पेकुलेशन ट्राइंग टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज दैट इट मे हैव बिगन डीप इन द ओशन। अगर हम बात करें कि लाइफ स्टार्ट हुई कहाँ से, स्टार्ट हुई डीप इन द ओशन, ओशन के अंदर इन अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग, लेकिन जो डीप ओशन थे इन अंडर वाटर थे हॉट स्प्रिंग्स थे, क्योंकि कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अगर देखा जाए हाइड्रो मीन होता है वाटर, थर्मल मीन होता है हीट, वेंट्स होता है होल्स, ठीक है, ओशंस वगैरह, यानी उधर से क्या लाइफ ओरिजिनेट हुई हाइड्रोथर्मल वेंट्स से। दीज वेंट्स कुड हैव सप्लाइड द एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, ठीक है, अब ये जो वेंट्स थे ये सप्लाई करते थे इन अर्थी बैक्टीरिया को एनर्जी, ठीक है, और उसके साथ साथ रॉ मटेरियल, तभी जाके ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते थे। अगर हम देखें ये बैक्टीरिया कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव कर रहे थे, 120 यानी 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव कर रहे थे, तो उसके साथ साथ ये अपनी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते थे, वो एनर्जी उधर से लेते थे हीट की पंप के अंदर, उसके साथ साथ रॉ मटेरियल को यूज करते थे। फिर उसके साथ साथ इन बैक्टीरिया ने अब वो जो हीट थी इनके लिए इनकी लाइफ के लिए इम्पॉसिबल थी, फिर इन्होंने क्या किया कॉपर सल्फेट को यूज करना शुरू कर दिया, तो उसके ये लिबरेट करते थे किसको सल्फर को। फिर आस्ता आस्ता जब लाइफ पॉसिबल होने स्टार्ट हुई, फिर इन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट तब हुई जब इन्होंने क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो इन्होंने लिबरेट किया किसको ऑक्सीजन को, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, तो अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन किसी तरह ओजोन लेयर बन गई, उस ओजोन लेयर ने क्या किया अल्ट्रावायलेट शॉक को क्या है नीचे जमीन पर नहीं आने दिया, जब जमीन पर नहीं आने दिया तो अर्थ के ऊपर क्या है लाइफ पॉसिबल लाइफ सस्टेन, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें अर्थ के ऊपर लाइफ कब सस्टेन हुई, प्रोकैरियोट कैसे जिंदगी कब बने, ये 3.5 बिलियन ईयर्स को लाइफ के ऊपर अराइज हुए प्रोकैरियोट कब हुए 3.5 बिलियन ईयर्स को। अगर हम बात करें यूकैरियोट कब आए अर्थ के ऊपर 1.5 बिलियन ईयर्स को। The eukaryotic cell might have evolved when a large anaerobic amoeboid prokaryote. अब देखिए यूकैरियोटिक से प्रोकैरियोट कैसे बने, इसको एक्सप्लेन किया किसने लाइम मार्गुलस ने। अब लाइम मार्गुलस ने इसको एक्सप्लेन किया किसके मुताबिक एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस के मुताबिक। अब एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस क्या है इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब इसके मुताबिक अमीबाइड एनएरोबिक थे अमीबा क्या था एनएरोबिक था, उसने क्या किया कि यूकैरियोटिक को क्या किया इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करने के बाद उसने उसको यूकैरियोट को डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि अपनी बॉडी के अंदर उसको क्या किया सस्टेन किया, उसके साथ यूटिलिज्म बना।
जब म्यूचुअलिज्म बनाया तो उसके मुताबिक इसने उस म्यूचुअलिज्म के मुताबिक यदि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में था, आपको पता है यूकैरियोट क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के जरिए क्या है, एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी के मुताबिक क्या होगी, ऑक्सीजन देते। अब अगर हम बात करें कि एक फ्लैजेला, किसका फ्लैजेला हो सकता है कि एक यूकैरियोट है, आर्कियो बैक्टीरिया, ठीक है। अब उस आर्कियो बैक्टीरिया से क्या है, स्पाइरल फॉर्म के अंदर देखें तो स्पाइरोक्वीट है। अब इस स्पाइरोक्वीट को, ठीक है, एन एरोबिक बैक्टीरिया ने लिया, एन एरोबिक बैक्टीरिया ने इसको लेने के बाद इसको अपनी बॉडी के अंदर सस्टेन किया, इसको एक प्रॉपर माहौल दिया, यानी प्रॉपर एनवायरमेंट दिया, उस एनवायरमेंट के मुताबिक इसने उसको उधर उसके साथ क्या है, म्यूचुअलिज्म बनाया। म्यूचुअलिज्म बनाने के साथ साथ अब ये देखें, जब फ्लैजेला, अगर हम आर्कियो बैक्टीरिया की बात करें, ये ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, तो उन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के साथ साथ इनके अंदर क्या हो जाए कि इनके अंदर, ठीक है, फोटोसिंथेसिस साथ ही प्रोड्यूस की वजह से प्रोकैरियोट से यूकैरियोट के बाद, ठीक है। अब इसी तरह हम अगर हम देखें कि ये यूकैरियोट कैसे इवॉल्व हुए, ये मल्टी सेलुलर कैसे बने, ये सिंपल से कम्प्लेक्स टोटली कैसे बने, तो उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस स्लाइड के अंदर। ये जो प्रीवियस जितनी भी बातें की गई हैं इस स्लाइड के अंदर क्लियरली आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ ये सुनिए क्या कि ये एरोबिक बैक्टीरिया है। अब ये बात हो रही है एंडोसिम्बियोट थ्योरी के मुताबिक, इसको एक्सप्लेन किसने किया, ब्लाइंड मार्गलस ने। एरोबिक बैक्टीरिया, इन एरोबिक बैक्टीरिया को ये प्रोकैरियोटिक अमीबाइड होस्ट है, ये प्रोकैरियोटिक अमीबा है, होस्ट है, इसने इनको ये यानी एरोबिक बैक्टीरिया को इसने इंजेस्ट कर लिया। इंजेस्ट करने के बाद अब इसकी बॉडी के अंदर आ चुकी है। अब आपको पता होना चाहिए ये प्रोकैरियोट क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड आरएनएली इनके अंदर नहीं होती, लेकिन यूकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड आरएनएली होती है। अब एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, अब ये एरोबिक बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रहते हैं। अब जब इसने इनको इंजेस्ट किया तो इसको डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि प्रॉपर क्या किया है, इनको रहने की जगह दी, ठीक है। देखिए अमीबाइड फॉर्म कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया, जब ये इधर आ चुके हैं, ये किस फॉर्म के अंदर आ चुके हैं, जब इनके ऊपर, जब देखिए ये इधर आएंगे, इसकी मेम्ब्रेन को ये क्या लेंगे, इनफोल्ड करेंगे। अब इनके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंडेड आरएनएली आ जाएंगे, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया एक्ट करेंगे किसके, एज ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, इसके जरिए एटीपी बनती है और स्टोर होती है। अब इसी तरह अगर हम बात करेंगे स्पाइरोक्वीट है, स्पाइरोक्वीट आर्कियो बैक्टीरिया है, ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब जब ये इंजेस्ट किए जाएंगे किसके जरिए, अमीबाइड के जरिए, प्रोकैरियोट के जरिए, अब आर्कियो बैक्टीरिया इधर आ चुके हैं। जब इधर आ चुके हैं तो देखें इसी तरह ये फ्लैजेला के फॉर्म में इनके अंदर होते हैं, ठीक है, फ्लैजेला इनका होता है, ये फ्लैजेला इधर आ चुका है, ठीक है। इसकी बेस पर, इसी फ्लैजेला की बेस पर बैक्टीरिया को क्या क्लासीफाई भी किया जाता है, ठीक है, जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस किया था कि पेरिकाइटस थे, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें लोकोट्राइकस बैक्टीरिया हो जाए, ये किसकी बेस पर थे, इसी फ्लैजेला की बेस पर। अब उसके साथ साथ देखें साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी इसी तरह इसके अंदर आ चुकी है, इस तरह ये लाइफ पॉसिबल हो रही है। देखें ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल्स, ये ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, ये हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल्स है, यानी अब एरोबिक से एरोबिक को इंजेस्ट किया किसने, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट में जब इनके अंदर ये सस्टेन हो गया, सस्टेन होने के बाद स्टेम सेल प्रोसेस हो चुका, तो इस तरह प्रोकैरियोट से क्या बने, यूकैरियोट। अब देखें, अब ये मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर देखें, ये एक जीनोम है सेल का, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर ये जीनोम है, ये जीनोम क्या चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है। जब मल्टीप्लाई हो चुका है तो उसके साथ साथ ये जो मेम्ब्रेन है, देखिए इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर इनवेजिनेट करेगी, इनवेजिनेट करने के साथ साथ इसको ऊपर से कवर कर लें। जब कवर ऊपर से कर लिया है ये जीनोम को, तो ये जीनोम एक्ट कर रहा है एज ए माइटोकॉन्ड्रिया और उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट वगैरह। अब इनके अंदर ये क्या हो चुके, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आपको पता है कि ये सेल्फ सस्टेनिंग आरएनएली, इनका अपना क्या होता है, अपना डीएनए होता है और अपना इनका सेटअप होता है, तो उसके मुताबिक ये बन चुके यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक था। अब ये यूकैरियोटिक सेल बन चुके हैं, यही थ्योरी को किसने एक्सप्लेन किया, लाइन मार्गुलस ने, ठीक है, इसी थ्योरी के मुताबिक यानी प्रोकैरियोट से यूकैरियोट क्या हुए, इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस के मुताबिक। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।